वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम आपको जेईई और नीट एग्जाम 2020 के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड सात लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको सात ऐसी अपडेट बताएंगे जो आपको ये बताएंगे कि जेईई और नीट एग्जाम के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड अभी तक क्या हुआ है, क्या अभी चल रहा है और इससे रिलेटेड आगे क्या प्रोसीजर हो सकती है। यहाँ पे हम आपको सात पॉइंट बताने वाले हैं। तो सबसे पहली अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है जो कि सबसे मेन अपडेट भी है, और कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी यह पहला अपडेट ही था। और ये अपडेट कई दिनों से चली आ रही है कि जेईई और नीट एग्जाम 2020 के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट अभी तक ना तो एमएचआरडी की तरफ से और ना ही एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है। यानी अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये एग्जाम फर्दर पोस्टपोन किए जाएंगे या फिर जो पुराना शेड्यूल है जो कि जुलाई के लास्ट में है उसमें ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद अगर आप जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को चेक करते हो जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस ट्विटर हैंडल पे अगर वो कोई भी पोस्ट डालते हैं, वो दिन में लगभग 30 से 40 पोस्ट डालते हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एजुकेशन के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन उसका अगर आप रिट्यूड जाके देखोगे या फिर कमेंट्स जाके देखोगे ना, तो उसमें हर जगह आपको पोस्टपोन जेई में नीट 2020 पोस्टपोन जेई हेल्थ ओवर एग्ज़ाम ये हैशटैग मिलेंगे। तो यार देखो, ऐसा है कि उन्हें पता है कि हम क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उन्हें पता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो फर्दर पोस्टपोन किए जाएं। ठीक है, तो आपन क्या है कि आपन ने अपना जो काम है वो कर दिया है और करते जा रहे हैं। अब यार उन्हें समझ में आएगा, ठीक लगेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि जेईई मेन और नीट एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए एक सॉलिड पॉइंट है जो ये बताता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड हो गया, यहां पे लॉकडाउन 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पे लॉकडाउन 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और लॉकडाउन के चलते इन स्टेट में एग्जाम कोई भी नहीं कराए जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे जुलाई में, क्योंकि 31 तक का लॉकडाउन लगा है। महाराष्ट्र का जो MHT CET एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और महाराष्ट्र में जो और भी एंट्रेंस होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, कॉलेजेस के एग्जाम हो गए, वो सब के सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि ICMR JRF जो कि काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है उसे भी फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो एग्ज़ाम है ये फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जेईई और नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू डेट्स हैं जेईई और नीट एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि न्यू डेट्स कब आएंगी। कल हम अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड जो है वो 3 जुलाई को आ जाएगा। तो जो न्यू डेट्स हैं, जो न्यू कोई भी अगर नया अपडेट आता है जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड, तो वो आपको 3 जुलाई को मिल सकता है। देखो MHT CET का जो एग्ज़ाम है ना, जब वो पोस्टपोन हुआ तो उसके लिए जो अपडेट आई, पोस्टपोनमेंट की जो अपडेट आई ना, वो जब एडमिट कार्ड रिलीज़ करने वाले थे उसी टाइम पे आई थी। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के 1 या 2 दिन पहले अपडेट कर दिया गया कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन किया गया है। तो जेईई और नीट एग्ज़ाम के लिए अगर एडमिट कार्ड जेईई मेन का मान लो आना था और नीट का 3 जुलाई को, तो उसी से रिलेटेड आपको काफ़ी चांसेस है कि 3 जुलाई को आपको कोई भी नया अपडेट मिल सकता है जेईई और नीट एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड ऑफिशियली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर सामने आता है वो ये है कि CBSE और ICSE बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी और ये जो एग्ज़ाम है ये कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि पेरेंट्स का एक एसोसिएशन है जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 16 पॉइंट ऐसे मेंशन करके दिए हैं कि वो जेईई और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन करें। उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 25 लाख स्टूडेंट देते हैं, तो आप इन सब की जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो 25 लाख स्टूडेंट हैं इनमें से अगर कुछ भी स्टूडेंट अफेक्टेड हो जाते हैं COVID-19 से, तो फिर इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़े स्तर पर पढ़ सकता है। उन्होंने ऐसे 16 पॉइंट मेंशन करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिखा है, ठीक है ना, और मांग की है कि जेईई और नीट के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन किए जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि जो न्यू गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जो न्यू गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं अनलॉक 2.0 में, तो उसमें स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उन्हें
31 जुलाई तक क्लोज रखा है, स्कूल और कॉलेजेस को 31 जुलाई तक क्लोज रखा है। बहुत से स्टूडेंट परेशान थे कि अगर जेईई और नीट के एग्ज़ाम होते हैं तो वो कैसे ट्रेवल करेंगे, कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में कंडक्ट करवा दिए जाए। वो एनटीए को लिख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को लिख रहे हैं कि एनटीए अपनी जो सुविधाएं हैं उसे बढ़ा के, एग्ज़ाम सेंटर्स ज़्यादा करके, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे सैनिटाइज़र हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो जो कि कोविड 19 का मेन इलाज है, तो उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए। लेकिन जो स्कूल कॉलेज हैं वो अनलॉक 2.0 के अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक क्लोज रहेंगे। बाकी जो अदर एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ जेई और नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेंच अभी भी फंसा हुआ है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर जो पुराना शेड्यूल है उसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो लेटेस्ट अपडेट है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 जुलाई को मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है ना। एमएसटी सीईटी वगैरह का भी अगर आप देखते हो पोस्टपोन से रिलेटेड, तो उसके लिए जो अपडेट आपको मिली थी वो एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है उसके 1 से 2 दिन पहले मिली थी। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पर तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट लगातार तक पहुंच सके, और जो भी चल रहा है जेईई नीट एग्जाम या फिर कुछ और जो अपडेट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं वो लगातार तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत, गुड बाय।